हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आज आपके साथ ना मेरा फुटवेयर कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपने ऑलरेडी टाइटल में देख ही लिया है ना। तो मेरे पास इतने ज़्यादा फुटवेयर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरे पास है ना, मेरे सारे कपड़ों के लिए सफिशियंट है। मतलब मुझे ट्रेडिशनल अगर मैं पहनूँ तो अलग चाहिए, डेफिनेटली वो सारे प्रॉब्लम लड़कियों को पता होंगे कि जो भी मतलब ट्रेडिशनल है, वेस्टर्न वेयर है, कुछ भी मैं पहन लूँ, ये जितने भी मेरे पास पैर्स है मेरे, वो सफिशियंट है मेरे लिए। तो मैं उसको नए बाय नहीं करने वाली हूँ। तो अगर आपको भी इसमें से कुछ मिसिंग लगता है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से शेयर करना कि मुझे उस टाइप के शूज़ या हील्स लेने चाहिए। लेकिन इतने मुझे अभी लगता है कि मेरे लिए सफिशियंट है। तो चलो आज का मैं मेरा फुटवेयर कलेक्शन आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत टाइम से मेरे मन में था कि मैं आपके साथ मेरे जो बैग्स है, ज्वेलरी है, फुटवेयर है, सब कुछ शेयर करूं, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब ना इस टाइप के वीडियो मुझ पे जमते नहीं है, तो मैं नहीं बनाती हूँ इस टाइप के वीडियोस। लेकिन फिर भी हिम्मत करके ना बनाए हैं इस बार। तो मस्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि अगर आपको अच्छे लगते हैं ना, तो हम ये कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो चलो हमारे फुटवेयर कलेक्शन में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको मेरे फेवरेट शू चप्पल दिखाऊंगी, जो कि ये है स्लीपर्स। बहुत ही फेमस है, सारे लोग पहनते हैं, टोटली एग्री। ये मैंने लिए थे ओल्ड नेवी में से सिर्फ और सिर्फ $8 के। लेकिन जितने भी मेरे पास जो भी फुटवेयर है, सबसे फेवरेट ये है और सबसे कंफर्टेबल भी ये है। तो अगर आप कभी भी ओल्ड नेवी में जाओ ना, तो इस टाइप के वहां पे आपको चप्पल मिल जाएंगे। ये बहुत ही मतलब सुपर कम्फी है। उसके साथ साथ ना, जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उनको बता देती हूँ कि मेरे पैर में ना थोड़ा सा इश्यू है कि मतलब पैरों में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब हम चप्पल पहनते हैं तो यहाँ पे जो एरिया आता है ना, वो मेरा थोड़ा सा कड़क हो चुका है कुछ रीजंस की वजह से। क्या रीज़न है वो भी डॉक्टर भी आज तक नहीं पकड़ पाए। लेकिन जब जब मैं कुछ घर के काम करती हूँ ना, जैसे कि अभी तो मेरे एकदम नॉर्मल हो चुका है यहाँ पे आने के बाद 1.5 साल से। अदरवाइज मैं इंडिया में जब जब मतलब पोछा करती थी, या तो फिर कुछ हैवी काम करती थी, या तो फिर मैं चप्पल बगैर भी कहीं चलती थी ना, तो वो तो 2-3 दिनों में ना वो एकदम से मतलब कड़क हो जाता था और धीरे धीरे वो पेन करता था। और वो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को मतलब सजेस्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने, फैमिली ने सजेस्ट किया था, वहाँ पे मैंने दिखाया, लेकिन कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला है। और उसके बाद मैं जब यहाँ पे आई तो वो सारे काम बंद हो गए, चप्पल पहनने बगैर मैं कहीं भी नहीं घूमती हूँ। तो अभी वो एकदम से नॉर्मल हो चुका है, अपने आप कहाँ पे गायब हो चुका पता नहीं चला। तो जब से मैं आई हूँ ना, तब से मैंने ये परचेज किया है, अभी तक इसकी प्रिंट नहीं गई। अराउंड 1.5 ईयर हो चुका है, तो अभी तक इसकी प्रिंट नहीं गई है। तो मस्ट बाय, ओल्ड नेवी में से मैंने लिए थे सिर्फ और सिर्फ $8 के। सेकंड जो है वो सेकंड मेरे फेवरेट है, जो कि ये है। ये मैंने लिए थे वॉलमार्ट में से, और इसको मैंने पूरा घिस डाला है पहन पहन के। और ये मैंने वॉलमार्ट से लिए थे, कुछ अराउंड $20 के उतने थे, सेल में थे, कुछ 35 के थे, फिर उसको उन्होंने क्लियरेंस सेल में थे और मुझे $20 में मिल चुके थे। और इसको मैंने लिए थे सिर्फ और सिर्फ ये पट्टियों की वजह से। ये स्ट्रेप्स वाली ना भाई साहब, कितनी मतलब सुपर डुपर हिट कभी कभी कोई वेस्टर्न कपड़ों पे लगती है ना, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। जब मैं इंडिया में थी ना, जब मैं छोटी थी मतलब, तब भी मुझे इस टाइप के जो चप्पल्स है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तब मैं हील्स में पहनना पसंद करती थी, अब मैं फ्लैट पहनना पसंद करती हूँ। डिफरेंट सिर्फ इतना है, बाकी तो सारी चॉइस सेम ही है। ओके, तो ये तो हो गए हमारे फ्लैट्स की बात। अभी हम जाते हैं थोड़ा सा शूज़ पे। तो मेरे सबसे फेवरेट वाले शूज़ ये है, ये वाइट कलर में है, और इसको मैंने लिए थे अर्डेन में से, अराउंड कुछ $25 थे उस टाइम पे, भी सेल चल रहा था, और इसको मैंने लिए थे अर्डेन में से। इसमें थोड़ी सी जो हाइट है ना, इसकी वजह से आप जब भी शॉर्ट्स या कोई भी वन पीस ऐसा कुछ पहनते हो ना, तो हमेशा वाइट कलर ना सब पे जाता है, सब पे जाता है। आप कुछ भी पहन लो, अगर जीन्स पहनोगे तो भी ये चलेगा,
मतलब स्कर्ट पहना है तो भी ये जाएगा, सारी चीजों पे ना व्हाइट कलर तो चलना ही जाएगा। तो जो व्हाइट कलर के शूज है ना, आपके पास एक पैर तो होने ही चाहिए। और इसको मैंने लिए हुए अराउंड टू अराउंड एक साल ऊपर हो गया, मैंने अपनी लास्ट बर्थडे में पहना था, उससे पहले मैंने लिया था, तो मतलब एक साल ऊपर हो गया है। मेरा बर्थडे बस आने ही वाला है, तो उसे पहले लिया था, मतलब फरवरी या जनवरी में ही लिया था, तो अभी चल रहा है, तो एक साल पहले मैंने लिया था। और अभी तक इसका कलर देखो, उसके पीछे राज है कि जब भी मैं बाहर से आती हूँ ना, तो सैनिटाइजर वाइप्स होते हैं उससे मैं क्लियर करके उसको एक ना ऐसी बैग में भर के रख देती हूँ, ताकि वो दूसरे चप्पल के साथ मिक्स होके ना एकदम से गंदे ना हो जाए। और ये ना मुझे बहुत ही ज़्यादा एकदम कंफर्टेबल लगते हैं, थोड़े से हैवी है दूसरे पैर के कंपेयर में, लेकिन अच्छे हैं, आप ले सकते हो। तो जो नेक्स्ट हमारी पैर है वो है नाइक की। ये मैंने लिए थे दुबई में से अराउंड 3-3.5 साल पहले। ये मैंने पैसे नहीं स्पेंड किए थे, ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिए थे। उस टाइम पे अराउंड हमें पड़े थे 250 दिरहम में, तो इंडिया करेंसी आप कंसीडर कर लेना, तो ये 250 दिरहम के है। और ये मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिए थे नाइक के। और ये कलर ना मेरा सबसे फेवरेट है। इस शूज़ को मैं किसी भी शूज़ को मैं कहीं भी डाल दूँ, लेकिन इसको मैं ना कहीं भी नहीं डालूंगी, इसको मैं बहुत संभाल के रखूंगी, क्योंकि इसका ना कलर ना मेरे मतलब एकदम से फेवरेट कलर है ये मेरे। और ये शूज़ और ये शूज़, ये दोनों शूज़ ना किसी भी वेयर में, मतलब कुछ भी मैं पहन लूँ, सब पे ये दोनों शूज़ चले जाएंगे। उसके बाद है ये नेक्स्ट शूज़, जो कि है स्केचर्स के। ये डार्क कलर में मेरे पास ये एक ही शूज़ है, उसके सिवाय एक ब्लैक है, अदरवाइज मेरे पास डार्क कलर इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। मुझे लाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ भी चीज़ में ले लो मुझे लाइट कलर ही बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये एक डार्क कलर के शूज़ है, ये स्पेशली ना मैं डेली वेयर में पहनती हूँ। इसको भी लिए हुए अराउंड टू अराउंड 2.5-3 साल हो चुके हैं। इसको भी मैंने दुबई में से ही परचेस किए हैं, ये और ये दोनों एक ही शॉप में से बाय किए हुए हैं, लेकिन ये मैंने 1.5-2 महीने पहले लिए थे, ये 2 महीने के बाद लिए थे, बस उतना ही डिफरेंट है। और इसके भी मैंने कुछ 2.17 स्पेंड किए थे, और ये बहुत ही मतलब गजब की चॉइस है। ये दोनों मेरे हॉट फेवरेट है डेली के लिए, मतलब डेली रूटीन में मैं इसको कहीं भी कभी भी पहन सकती हूँ। और ये तो हो गए सारे मतलब रेगुलर वेयर, कहीं ऐसे ही जा रहे हो चलते फिरते मॉल में चले गए, ये सारे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे जो हील्स है, या तो फिर मेरे बहुत ही मतलब दिल के करीब वाले शूज है ना, मतलब जिनको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, पहनती नहीं हूँ, वो वाले दिखाती हूँ। ये है एक शूज, शूज के मुझे नाम नहीं पता है किसको क्या बोलते हैं, वो आप गूगल सर्च कर लेना, उसमें आई नो कि आप मास्टर हो। तो ये है एक शूज जो कि शाइनी है, आपको दिख रही है शाइन, तो ये एक शाइनी शूज है जो कि अल्डो के है। अराउंड इसके देखे प्राइस, अभी तक मैंने स्टिकर भी नहीं निकाला है, तो इसकी कुछ प्राइस मैंने दी थी अराउंड 75 या कुछ दिए थे। अगर इसको मैं कोई जीन्स पे या कोई पार्टी में जा रही हूँ उस टाइम पे मैं पहनती हूँ ना, मतलब अगर मैं जॉगर्स पहन रही हूँ या कुछ भी, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। जब भी कभी भी ना मुझे कोई डिसेंट लुक चाहिए ना, ऐसे मतलब ढांसू वाला, तो मैं ये पहन लेती हूँ, और वो ना एकदम से मेरे कपड़ों को कम्प्लीटली फुलफिल कर देता है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसकी अराउंड कुछ प्राइस होगी 75 कैनेडियन डॉलर, यूएस डॉलर नहीं। और उसके बाद एक और परचेज हमारी अल्डो में से, लैब्रा प्रिंट, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसकी ना मुझे एक ही प्रॉब्लम है, ये जो हील्स है ना वो मुझे नहीं पसंद, ये इस टाइप की हील्स जो है पेंसिल हील मुझे बहुत ही कम पसंद आती है। फिर भी इसकी साइज जो है वो बहुत ही कम है, तो इसको मैं बहुत ही ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ। और ये जो बूट्स है ना, इसकी प्राइस है $140, स्टिल स्टिकर पे लिखा हुआ है $140, और मुझे मिले थे $84 में आफ्टर डिस्काउंट। और ये भी है अल्डो में से ही, और ये भी है अल्डो की ही ब्रांड शायद तक, अगर आपको अंदर से दिख रहे हो। और इसको पहनने के बाद ना भाई साहब, जहां पे जब भी इसको मैं कब पहनती हूँ, जब भी मेरे कोई जींस हो ना, मेरे को इतनी फिटिंग में नहीं आती हो, लेकिन फिर भी मुझे वही जींस पहननी है, उस टाइम पे मैं ये शूज पहनती हूँ, ताकि ना जो हमारी जींस है वो इसके अंदर आ जाए ना, एकदम से फिटिंग में लगेगी और बहुत ही खूबसूरत से लगते हैं, बहुत ही डिसेंट और एलिगेंट सा लुक आता है।
तो ये वाले मेरे हॉट फेवरेट है, इसको मैं नहीं पहनती हूँ। ये और ये मैं बहुत ही ज़्यादा कम पहनती हूँ, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम। अभी तक मैंने दो बार भी नहीं पहने हैं, दोनों में से एक भी बार मैंने दो बार भी नहीं पहने होंगे, लेकिन फिर भी मैं बाय करती हूँ। ऐसी चीज़ें हैं, पैसे वेस्ट करो, क्या करोगे सेव करके भाई, क्या करोगे। और अभी चलते हैं, ये हो गए हमारे जो अच्छे वाले शूज लेकिन नहीं पहनते वो वाले। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरी हील्स, अभी हम जाएंगे हील्स पे। तो ये है हील्स मेरी जो कि सबसे फेवरेट है, सबसे फेवरेट। कहीं भी जाना हो ना, मैं ये हील्स को आराम से पहन लेती हूँ, कभी भी मैं इतना सोचती नहीं हूँ ज़्यादा। मतलब मेरा कोई भी शूज़ अगर नहीं जाता है ना, मैं पहले प्रिफर करती हूँ मैं शूज़ पहन, अगर उस कपड़ों पे ना कोई भी शूज़ नहीं जाता ना, तो मैं ये हील या तो फिर एक ये हील है। मतलब अगर मैं लाइट कलर के कपड़े पहनूँ तो ये, डार्क कलर के हो तो ये, तो दोनों में से कोई भी मेरा एक तो चला ही जाता है कोई भी कपड़ों के साथ। तो ये है अल्डो में से ही, और इसकी प्राइस कुछ है $85 सेम इट इज। तो सारे मैंने एक ही ऑफर में लिए थे और एक ही दिन बाय किए थे, तो ये है कुछ 75 अराउंड के। इसमें ना मुझे एक प्रॉब्लम होती है कि इसको मैं बेल्ट को जब लगाती हूँ ना, तब मेरी नीज में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन पहनने में ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और इस टाइप का ना एक जूता तो आपके पास होना ही होना चाहिए कि कोई भी ट्रेडिशनल वेयर में भी आपके चला जाए आसानी से, उसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद जो सेकेंड है ना मेरे पास, मैंने इंडिया से लिया था, और उसके बाद है ये एक और शूज़। ये और ये दोनों सेम है, लेकिन दोनों का कंफर्ट लेवल बहुत ही ज़्यादा अलग है। हील्स भी देखो आप, दोनों की सेम है, लेकिन कंफर्टेबल मैं इसमें ज़्यादा हूँ, इसमें कम है। ये मैंने ली थी लो गार्डन से, अहमदाबाद में स्ट्रीट शॉपिंग जो है वहाँ पे है लो गार्डन, वहाँ से मैंने ये ली थी। और ये भी सुपर डुपर हिट है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं अच्छी है, सुपर डुपर हिट है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है ना, इसकी प्राइस में ये 15 पैर मुझे मिल जाएगी, दैट्स द ट्रू थिंग। तो ये कुछ थी 150 की सिर्फ, और ये है $75 की। तो इसकी प्राइस में मेरे को ना ये 15 पैर मिल जाए, इसलिए मुझे ये वाली ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और ये मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। कहीं भी मुझे तोड़नी हो ना, ऐसा है कि वहाँ पे क्या है ना नीचे का फ्लोर, वो मुझे पता नहीं है कि अगर कोई मैं पार्टी में जा रही हूँ तो मुझे नहीं पता है कि वहाँ पे क्या फ्लोर होगी, तो मैं उस टाइम पे ये पहन के चली जाती हूँ, तो कोई भी हो वो टूट जाए चलेगी। तो ऐसी चीज़ है, सस्ते का माल मुफ्त में। उसके बाद ना ये जो मेरी पैर है ना, वो मुझे बड़ी ही सबसे ज़्यादा पहनने में कंफर्टेबल है, सबसे ज़्यादा। अगर मैं मेरे अच्छे वाले फुटवेयर में बात करूँ ना, तो ये मेरा हॉट फेवरेट है, क्योंकि ये ना एकदम पहनने में एकदम कम्फी है। पहनने के बाद ना आपको इतना ज़्यादा बैक पेन या कुछ नहीं होगा। अगर इसको मैं 5 घंटे से ज़्यादा पहन लूँ ना, तो मुझे 100% बैक पेन होता है, लेकिन इससे मैं 5 घंटे के ज़्यादा पहन लूँ ना, मुझे कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये मैंने लिया था कड़ी में से ही, मतलब मेरा जो होम टाउन है वहाँ से मैंने लिया था, और उस वहाँ पे एक लोकल शॉप में से मैंने इसको बाय किया था। शॉप का नाम तो मुझे भी अभी याद नहीं है, लेकिन इसको मैंने 250 रुपीज़ में लिया था। ये 250 रुपीज़ इसके ना बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है। इसको लिए हुए मुझे ना 3-4 साल ऊपर हो गए, आज तक ना कोई कंप्लेन नहीं है, और स्टिल नए के नए लगते हैं। वो तो ठीक है कि मैं थोड़ा संभाल के रखती हूँ, इसलिए थोड़े से ज़्यादा नए लगते हैं आपको, लेकिन बहुत ही खूबसूरत से और बहुत ही डेलिकेट पीस है ये, बहुत ही ज़्यादा। आपको इस टाइप की प्रिंट में ना बहुत ही कम मिलेंगे, और ये ना जो प्रोफेशनल कपड़े हैं ना मेरे, उसके साथ बहुत ही बढ़िया जाते हैं। तो बस यही था मेरा फुटवेयर कलेक्शन पूरा। तो आपको कैसा लगा ना मेरा फुटवेयर कलेक्शन, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और इसमें से कोई भी सेम पीस या उस तरीके का कोई भी पीस आपके पास है ना, और आप उसको लेके क्या फील करते हो, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।